देखे ना, आज इंडिया की टीम पहुंच गई ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में। तकरीबन मैं काफी सालों से बात नहीं है। 4 डेकेड पाकिस्तान ने तो क्वालिफाई ही नहीं किया ओलंपिक्स के लिए। से भी पीवी सिंधु को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आई नो दैट देयर आर सो मेनी यंग गर्ल्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन दी साउथ एशिया जो के इंस्पायर होंगी। मैं मतलब एक मिसाल दूं तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वहाँ के वज़ीर आज़म एक मेडल ना जीतने के बावजूद भी एक एथलीट की हौसला अफजाई के लिए ट्वीट्स कर रहे होते, जब टीम जा रही होती तो उनको गुड लक भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो काश कह देते। सबसे बड़ा, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और तब यह हाल है स्पोर्ट्स। कल पुरुष भारतीय हॉकी टीम ने 3-1 से इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। उसी तरह आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर धमाकेदार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। हर बात में भारत से तुलना करने वाले पाकिस्तान में इसकी चर्चा न हो यह तो संभव ही नहीं, पर अब की बार ईमानदारी से चर्चा हो रही है और भारत की प्रशंसा की जा रही है। क्या कहा जा रहा है, आइए आगे सुनते हैं। से भी पीवी सिंधु को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आई नो दैट देयर आर सो मेनी यंग गर्ल्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन दी साउथ एशिया जो के इंस्पायर होंगी, जो कि इनको देखकर सीखने की कोशिश करेंगी और जो इनको देख के ये सोचेंगी कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ओलंपिक्स में आके इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ओलंपिक्स में जीतो यार, अपने जीतो मेडल ओलंपिक्स में, कम बैक करो अपना हॉकी में करो। देखे ना, आज इंडिया की टीम पहुंच गई ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में। मैं काफी सालों से बात नहीं है, तकरीबन 4 डेकेड्स किसी ने लिखा था, मुझे श्योर नहीं है, अगर किसी को पता है तो प्लीज वो कॉमेंट्स में लिख दे। ऐसा ही है, तो बड़ी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है क्योंकि ये जब से एस्ट्रोटर्फ आई थी तब से जो एशियन टीम्स है स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की, ये तो स्ट्रगल कर रही थी हॉकी में। ठीक है, तो पाकिस्तान ने तो क्वालिफाई ही नहीं किया ओलंपिक्स के लिए और जो इंडिया की टीम है उसने ठीक ठाक, उन लोगों ने हॉकी में इन्वेस्ट किया, अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया है, मेहनत की है, एंड दे आर देयर। तो हमें भी ये चीज करनी चाहिए कि अपने नेशनल गेम को, जिसमें पाकिस्तान के 8 से 9 मेडल्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, इंडिया ने अभी हॉकी में किया है, इनकी जो बैडमिंटन की प्लेयर है संधू वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीत है, बड़ी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है। कुछ अर्सा पहले तक लोग ये सोचते नहीं होंगे कि आप इसमें मेडल जीतेंगे, आज से 10-12 साल पहले, लेकिन आज देखें जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस है। कल मैं यहाँ पर देख रहा था जैपनीज के साथ मैच हो रहा था, मुझे नाम नहीं आता इंडियन लड़के का जो ये आर्चरी ये तीरंदाजी का मुकाबला था, वो बड़ा नेक टू नेक 1 पॉइंट से वो जीता एंड में, जैपनीज जो है, बड़ा नेक टू नेक मैच था। सो इट इज गुड टू सी एथलीट्स डूइंग वेल इन डिफरेंट स्पोर्ट और उनको देख के खुशी होती है, इधर अपनी तरफ अफसोस ही है कि हमारे लोगों को चांस ही नहीं मिलता। आज मैंने पढ़ा है एक मुल्क है उसकी टोटल आबादी 35,000 है, सैन मेरिनो, सैन मेरिनो, वो भी मेडल जीत गए हैं। हाँ जी, वो भी मेडल जीत गए, 13 किलोमीटर दूर उसका था। कल जमैका के एथलीट थे वो 100 मीटर में 1, 2 और 3 तीनों पोजिशन में वो ले गए। वो छोटा सा आइलैंड है, शायद जितनी आबादी है यार। तो आप देखें ना कि जहां काम हो रहा है तो वो कहता है, वो आपने एक सुना होगा, वो कहता है चीज होए वधिया ते मुंह पे बोल दी। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना, जहां काम हुआ वो दिखता है, वो नजर आता है, नजर आता है, बनैन तेरी वध्या बनैन तेरी नाप दी। उस गेम को भी जरा रियलाइज करें। मैं आज कमेंट्री कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई जो मैंने कर दी उसमें, यहाँ वुमेन्स क्रिकेट का मैच चल रहा था, मैंने कहा यार हम सिस्टम्स देखकर लाते हैं बड़े सोच समझ के कि कौन सा सिस्टम पाकिस्तान को सूट करेगा, क्रिकेट में हम लेकर आए हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है चाइना से, तो चाइना ओलंपिक टेबल पे नंबर 1 है, 23 गोल्ड मेडल है उनके, बाकी भी और भी मेडल है, तो चाइना से बाकी गेमों के लिए सिस्टम ले आए वो तो दे देंगे फटाफट, लो है गजे करो काम। तो एनी दूरों जड़ा सी लैंदा है नाल दे करो भी लाओ यार, सारी स्पोर्ट्स ठीक हो जाएगी। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन स्पोर्ट, एग्जांपल दुनिया के बाकी ममालिक हैं। मतलब एक मिसाल दूं
तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वहाँ के वज़ीर आज़म एक मेडल ना जीतने के बावजूद भी एक एथलीट की हौसला अफजाई के लिए ट्वीट्स कर रहे होते, जब टीम जा रही होती तो उनको गुड लक भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो काश कह देते कि यार ठीक है, हमने नहीं दिया आपको कुछ, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है, हम आपके साथ हैं, हमारे साथ, हमारी दुआएं आपके साथ है। ओलंपिक्स चल रहे हैं और पाकिस्तान की हॉकी टीम तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी, उनको यानी कि लिया ही नहीं गया, क्योंकि आज मैं देख रही थी हमारे एक हॉकी के प्लेयर जो है वो जियो टीवी पर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी 13 टीम्स को लिया जाता है और इनका नंबर 17 पर है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में, और इस वजह से वो पहले ही रिजेक्ट हो गए। बाकी जो टीम है उन्होंने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया। जो एथलीट गए हैं यानी 22 करोड़ के लोगों में से सिर्फ 10 लोग गए हैं ओलंपिक्स में, और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन जो एक आपको मालूम है हमारे यहाँ रिवाज है कि हम हर जगह पे एक रिटायर्ड जनरल बिठा देते हैं, तो यहाँ पे भी जो साहब बैठे हुए हैं मतलब फौज में से निकलने के बाद, रिटायर होने के बाद, वो पिछले 11 साल से हैं और उनके होते हुए जो है वो स्पोर्ट्स का ये हाल है। और सबसे बड़ा, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और तब ये हाल है, स्पोर्ट्स का क्या कहेंगे आप? 201 कंट्रीज का कंपटीशन होता है जो वर्ल्ड ओलंपिक्स होते हैं, इस तरीके से जो टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, उसमें आप फिर एक्सपेक्ट करें कि वो चाइना को कम्पीट करें, वो हिंदुस्तान को कम्पीट करें, वो फ्रांस को कम्पीट करें, वो अमेरिका को कम्पीट करें। वो तब करेंगे जब आप उस लेवल की नहीं, कम से कम उसके आधी फैसिलिटीज तो दें उसको। के तमाम प्लेयर्स वाइल्ड कार्ड के थ्रू जाते हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं होता जो क्वालिफाई करके जाए। स्पोर्टिंग नेशन का यह हाल है कि हमारा एक प्लेयर, सिंगल प्लेयर भी क्वालिफाई करके नहीं जाता। यह है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का हाल। एक क्रिकेट खेल रह गया, उसका भी क्या हाल है, वो आपके सामने इंग्लैंड में जिस तरीके की सीरीज खेले, इसके क्रिकेट पे हम बात करते रहते हैं, लेकिन ओलंपिक्स की हम बात करेंगे तो आज पाकिस्तान की नंबर वन प्लेयर माहूर शहजाद जापान की 4th सीट के खिलाफ स्ट्रेट गेम्स में हार गई। इसके अलावा पाकिस्तान के शूटर जोसेफ ने, गुलफाम जोसेफ ने भी आज हिस्सा लिया था और वो भी पहले राउंड में ही बाहर हो गए 10 मीटर पिस्टल इवेंट में। तो पाकिस्तान की तैयारियां कहां दिखाई देंगी, हमारी ओलंपिक्स एसोसिएशन का क्या हाल दिखाई दे रहा है, किस तरह तमाम फेडरेशन चल रही है, अल्लाह चला रहे, क्योंकि जितना फंड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास होता है वो तो तनख्वाहें देने में सर्फ हो जाता है, इतना तो आपने स्टाफ रखा हुआ है, तो खेल पे आप क्या लगा रहे होते हैं ये सबको पता है, और हमारे चले जाते हैं उसके साथ जितने प्लेयर्स जा रहे होते हैं उतने ही ऑफिशियल भी जा रहे होते हैं, ये भी एक कमाल है भाई। एक ऑफिशियल चले जाएं, दो ऑफिशियल चले जाएं, जितने आपके प्लेयर्स नहीं होते वाइल्ड कार्ड की सूरत में, पता नहीं इन ऑफिशियल्स को वाइल्ड कार्ड कहां से मिलता है। मैं अगर बात कर लेता हूं बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी माहूर शहजाद अगर गई हुई है, तो चौधरी साहब इस दफा कोच बन के गए हुए, चौधरी साहब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मैनेजर बन के चले गए थे। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, आज आपके प्रोग्राम से मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के डायरेक्टर जितने भी लोग हैं उनसे पूछता हूँ सवाल, क्या आपके पास कौन सी ऐसी टीम है मुझे बता दे, एथलेटिक के अंदर आपने 10-11 लड़के भी ठीक है सिर्फ वही नजर आ रहे हैं, हॉकी आपकी खत्म हो गई, बैडमिंटन आपके सामने, सारी चीजें स्क्वाश आपके सामने है, सारी देखे। अब मसला ये है कि इसको कौन सा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है, क्योंकि मैं तो इस चीज इनको वो करता हूँ ना, इंशाल्लाह होगी मीटिंग इसके ऊपर बात के हम करेंगे, मगर बात ये स्पोर्ट्स पाकिस्तान से खत्म होता चला है। तो आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।